कि ये हिंदुस्तान के बिहार के तीनों जो युवराज लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे क्या कहते हैं उनको चिराग पासवान हो या तेजस्वी जी हो, समय आने पर तीनों अपना कहीं हनीमून मनाने जाते हैं, क्या करने जाते हैं पता नहीं। संगठनात्मक स्तर पर जितने भी हमारे इकाई थे इसको भंग करना है, नए ढंग से चुनाव कराना है, चाहे प्रदेश का हो या फिर देश का हो। पहला निर्णय तो ये हुआ, दूसरा निर्णय ये हुआ है कि हम लोग बंगाल का चुनाव लड़ें और उसके लिए कृष्णा सिंह एक हम लोग के साथी वहाँ हैं, उनको आज ही अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और उनके नेतृत्व में हम लोग बंगाल का चुनाव लड़ेंगे। और बंगाल में 10-15 दिन एक घोषणा के बाद हम लोग बड़ी आम सभा करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद दिल्ली कॉरपोरेशन का चुनाव भी संभावित है, वहाँ भी हम चुनाव लड़ेंगे। उसके लिए वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी को कहा गया, वो भी तैयारी करेंगे और वहाँ जैसा होगा हम लोग बात करेंगे। और फिर संगठन पर जो विचार हुआ उसको हमने कहा ही, हर जिला में हम लोग नए ढंग से संगठन को आगे बढ़ावेंगे, सदस्यता अभियान शुरू करेंगे और अधिक से अधिक लाइफ मेंबर बनाएंगे। आज भी लगभग लगता है 50 हमारे साथी लाइफ मेंबर बने हैं, इसी तरह से लाइफ मेंबरों की संख्या कम से कम 10,000 हो, ये हम लोगों का टारगेट रहेगा। और इसी प्रकार से सदस्यता का जहाँ तक सवाल है, 10,00,000 सदस्य हम लोग बनाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे हर स्तर पर, बिहार में, बंगाल में, दिल्ली में और झारखंड में। और अंतिम जो लोग सैद्धांतिक रूप में जो निर्णय लिया है वो ये है कि आज निजी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है लेकिन आरक्षण नहीं, जिसके चलते आरक्षण का जो क्वांटम है वो घट रहा है। इसलिए भारत सरकार से मांग करेंगे कि हर हालत में निजी क्षेत्र का विकास करना हो 100% करती है, लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है हमारा उसमें आप हर तरह से जो शुल्का अति पिछड़ा ये सब के लिए जो आरक्षण है वो आरक्षण ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। साथ ही साथ जुडिशियरी में भी आज तक आरक्षण नहीं है, जिसके चलते होता है कि जहाँ शेड्यूल कास्ट अभियुक्त होते हैं सजा हो जाती है और जहाँ शेड्यूल कास्ट प्रथम पार्टी होते हैं साक्ष्य के अभाव में बरी लोग हो जाते हैं, ये द्वैगुनी बात नहीं चलेगी। इसके लिए भी हम लोग मांग करेंगे। और फिर कॉमन स्कूलिंग सिस्टम पर भी लोग हम राष्ट्रपति का बेटा हो या भूमिका संतान सबको शिक्षा एक समान, ये सारे तीनों मुद्दा हैं। उसके लिए हमारे चुनाव हम अकेला नहीं रहे, हमारी संभावना होगी कि जो हमारा गठबंधन है यहाँ NDA का, उस गठबंधन के अंतर्गत को और ख़ास करके जदयू से, क्योंकि यहाँ NDA में हम हैं लेकिन हमारा संपर्क जदयू से है, तो हम जदयू के लोगों से भी विचार विमर्श कर करके बिहार में। सर आप NDA के हिस्सेदार हैं, ऐसे में जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार में लेट हो रहा है, क्या लगता है कि BJP नीतीश कुमार को एक MLA हैं, हमारी पार्टी उन लोगों से संपर्क साधेगी और जरूरत पड़ने पर मान मनोबल के बाद अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग इसका रूपरेखा आंदोलन का भी सड़क से लेकर के संसद तक इन मुद्दों को उठाएंगे। और आप लोगों के माध्यम से हम गुजारिश करेंगे, जो आज तय किया हम लोग 121 MPs लोग और 1,001 MLA लोग, कम से कम ये जो बेसिक मुद्दा है सिर्फ विकास और सिर्फ टाइप्स की है, उसके लिए आप ये बात करें हर तरह से हमारे साथ में। और एक बात और हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, क्या सरकार बनाई है, 3 लोग कानून जिसको लोग
खिलाफ कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात है जो खिलाफत होनी चाहिए, लेकिन बावजूद यदि हमारे किसान के दिमाग में धर्म है कि कोई गड़बड़ी है, तो ऐसे बैठकों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री से हम लोग अपने आज मीटिंग के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि जैसे भी ये जो किसान का आंदोलन है उसको आप समाप्त करवाइए, क्योंकि किसान का आंदोलन ही नहीं, इससे मजदूर भी साथ हैं, मजदूर को भी दिक्कत हो रही है। इसीलिए ये भी हम लोग आज डिस्कस किया है, प्रस्ताव आया है और इसको मान लिया, और आप लोगों के माध्यम से और भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी से जिन पर विश्वास है, हम लोग को भरोसा है, निश्चित रूप में सापेक्ष सोच रखते और किसानों की समस्या को यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो समाधान करें, यही अपील है।